हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना पूरी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ और वो है लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। ये लिक्विडेटर होता कौन है? तो लिक्विडेटर का रोल तब स्टार्ट होता है जब कंपनी बंद होने वाली होती है। तब लिक्विडेटर को कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो कंपनी के प्रॉपर्टी को सेल करे और जो भी उससे पैसा आए, तो जितनी भी लायबिलिटी है कंपनी की, उन सबको वो पे करे। इसीलिए उसका नाम लिक्विडेटर रखा गया है। और वो कंपनी के एसेट को सेल करता है और लायबिलिटी को धीरे धीरे पे करता है। कभी कभी जो क्रेडिटर्स होते हैं, जस्ट लाइक ए डिबेंचर होल्डर, वो जो लिक्विडेटर कंपनी अपॉइंट करता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो वो लोग ऐसे केस में कंपनी उनसे कहता है कि आप अपना लिक्विडेटर अपॉइंट कर लीजिए और जो भी प्रॉपर्टी आपके लिए हम लोगों ने मॉर्गेज रखा था, उस प्रॉपर्टी को वो आपका लिक्विडेटर सेल करे और सेल करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी को वापस कर दे। तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर्स से भी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो लिक्विडेटर आता है, जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी रहती है उसको सेल करता है और जितना भी उसको डिबेंचर होल्डर को पैसा देना होता है वो उसको पे करता है, अपना रेमुनरेशन लेता है, कमीशन लेता है और जितना पैसा बचता है वो सारा पैसा वो कंपनी के जो ओरिजिनल लिक्विडेटर है उसको वो वापस कर देता है। तो लिक्विडेटर का यही रोल है कि वो कंपनी के एसेट्स को बेच के और सारे लाइबिलिटीज को पूरा करे और उसके बाद में जो भी फंड बचता है तो पहले वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को दे और प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे। यही मतलब होता है लिक्विडेटर का। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।